नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब ठीक ही होंगे। दोस्तों, अगर आप एक एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन चलाते हो और फेसबुक चलाते हो तो आप एक बहुत बड़ी गलती करते हो दोस्तों। वो गलती क्या है मैं आपको पूरी बताऊंगा जानकारी कि वो गलती क्या करते हो फेसबुक चलाते हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस ज़रूर कर लेने का, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, इसमें गलती आप ये करते हो कि आप फेसबुक तो चलाते हो, फेसबुक अकाउंट भी बना लिया है, और फेसबुक अकाउंट बनाने के बाद में आप चलाते हो और उसमें फ़ोटो शेयर करते हो, अपने फ़ोटो या मैसेज करते हो, या फिर आप उसमें अपना पर्सनल फ़ोटो या कुछ अपनी पर्सनल डिटेल भी सेंड करते हो किसी को, दूसरे को। तो दोस्तों, उसमें आप गलती करते क्या हो आपको मैं बताऊँगा दोस्तों। तो जैसे कि आपने मोबाइल लिया है और अपने मोबाइल में अपने मोबाइल नंबर से फेसबुक बना लिया, आईडी बना ली, और दोस्तों अपने एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में आपने फेसबुक अकाउंट बना लिया और उसको आप चलाने लग गए, लेकिन आपका मोबाइल ख़राब हो गया। उसके बाद में फिर आपने दूसरा मोबाइल लिया और फिर आपने एक आईडी फिर बना लिया, फेसबुक आईडी। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप किसी न किसी कारण से आईडी बना लेते हो, 2-3 आईडी बना लेते हो, लेकिन उसमें से आप जो आपको अच्छा लगता वही वाला आईडी आप यूज करते हो। तो उसमें क्या है, पुराने वाले आईडी में आप लोग बहुत सारी फ़ोटो या फिर कुछ न कुछ ऐसा पर्सनल डिटेल भी बहुत से लोग डाल के रखते हैं या मैसेज करते हैं, उसमें अपनी फ़ोटो भी अपलोड करके रखते हो, तो वो अकाउंट आपका डिलीट नहीं होता है कभी नहीं। तो दोस्तों, उसको हम पता कैसे करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से, अपने मोबाइल नंबर से, कि हमारे इस नंबर पे कितना आईडी फेसबुक आईडी बना हुआ है। तो दोस्तों, उसको जानने के लिए हम चलेंगे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने का आपको पता चल जाएगा कि हमारे एक मोबाइल नंबर से आपका कितना फेसबुक आईडी बना हुआ है और आप कौन सा आईडी चला रहे हो और उस पुराने वाली आईडी पे कितनी फ़ोटो अपलोड करके रखी है, वो सारी जानकारी आप देख सकते हो। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं हम अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर और हमारे मोबाइल नंबर से कितने अपनी फेसबुक आईडी बनी हुई है। तो दोस्तों, अभी हम आ गए अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से हम अपना फेसबुक एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। जब यह ओपन हो जाएगा तो आपका सामने इस प्रकार से ओपन हो के आ जाएगा। आप लॉगिन किया हो तो आपने अकाउंट बना के रखा है तो आपके सामने इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आपको राइट साइड कोने में ये तीन दिख रहा है बिंदु पे, इन पे क्लिक करना है तो आपके सामने आगे वाला पेज इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। दोस्तों, तो यहाँ पे आपको लास्ट में क्या करना है, सबसे नीचे लॉगआउट दिखाई दे रहा है तो दोस्तों इस पे लॉगआउट कर लीजिए आप। दोस्तों, ये मत सोचे कि हमारा अकाउंट डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट नहीं हुआ, लॉगआउट हो गया है, फिर से वापस आ जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। तो आगे वाला पेज फिर इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो भी अपना अकाउंट बना के रखा वो इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ पे आपकी फ़ोटो दिखेगी, जो भी फ़ोटो रखा होगा वो फ़ोटो दिखेगा, आपका नाम रहेगा जो जिस नाम से आपने अकाउंट बना के रखा है उस नाम से, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा। एक में मिलेगा लॉग इन टू अदर अकाउंट और दूसरे में फिट योर अकाउंट। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे फिट योर अकाउंट पे क्लिक करना है। तो हम इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा आगे वाला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसके बाद में नोट यू पे क्लिक करेंगे। तो चलिए हम उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप मांग रहा आपसे इंटर योर फ़ोन नंबर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको फ़ोन नंबर डाल देना है, जो भी आपके पास जो मोबाइल है, जिस मोबाइल में आपका बना हुआ है फेसबुक अकाउंट, वो वाला डाल देने का। तो दोस्तों, यही आप यहीं से आप पता कर सकते हो कि आपके मोबाइल नंबर से कितना फेसबुक आईडी बना हुआ है, आपका कितना अकाउंट बना हुआ है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम अपना नंबर डाल देता हूँ। तो चलिए मैं अपना नंबर डाल देता हूँ और पता करता हूँ कि मेरा इस नंबर से कितना फेसबुक आईडी बना हुआ है। तो चलिए डाल दिया। हम अभी इसको फीड योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद में देखिए दोस्तों, अभी मेरा मेरा एक नंबर से आप देखिए आपके सामने मेरे पास कितना 4 अकाउंट बना हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से गलती ना करो आप भी, क्योंकि यह आपका जो भी अकाउंट बना हुआ है और बना लिया आप भूल जाते हो एक महीने दो महीने बाद में या फिर एक साल में या किसी कारण से, तो वो उसका फोटो बीपी जो भी है वो शेयर होती रहती है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी चेक कर सकते हो कि आपके नंबर पे कितना फेसबुक आईडी बना हुआ है। तो चलिए दोस्तों हम दूसरा अभी देखते हैं, अगर दूसरा नंबर पे कितना बना हुआ है। तो हम यहाँ पे दूसरा नंबर डाल के देखता हूँ मेरा एक, तो चलिए दूसरा वाला डाल देता हूँ। तो दूसरा दोस्तों अभी मैंने दूसरा नंबर डायल किया हूँ, उसमें देखता हूँ यहाँ पे फिर, तो इस पे दोस्तों इस पे एक ही अकाउंट बना हुआ है। जो दूसरा वाला नंबर मैंने डायल किया तो वहाँ पे हमारा एक ही अकाउंट बना हुआ है, वो तो सही है, वो दूसरे मोबाइल में चलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपना फेसबुक अकाउंट चेक कर सकते हो कि आपके एक मोबाइल नंबर से कितना आईडी बना हुआ है, अकाउंट बना हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से मैं डालता हूँ नंबर मेरा और पता करता हूँ आपके सामने एक बार फिर से। तो चलिए हमने नंबर डाल दिया, फिर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे फीड यूअर अकाउंट पे, तो हमारे पास फिर से आ गया। देखो दोस्तों ये 4 मेरा अकाउंट बना हुआ है। तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो और रिन्यू कर सकते हो दोस्तों। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देने का दोस्तों यहाँ पर आपको जिस भी अकाउंट को अभी यूज करना है उस अकाउंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप लॉगिन हो सकते हो जाओगे। तो दोस्तों यहाँ से लॉगिन होने के लिए चलिए मैं सबसे ऊपर वाले को ये कंटिन्यू यूज करता हूँ, तो मैं उसी आईडी को क्लिक करता हूँ और लॉगिन हो जाता हूँ। तो चलिए मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है लॉग इन। तो चलिए हम यहाँ लॉग इन पे क्लिक करता हूँ, लॉग इन पे क्लिक करने के बाद में मैं फिर से अपने फेसबुक अकाउंट में लॉगिन हो गया फेसबुक एप्लीकेशन में, ये देखिए आपके सामने। तो दोस्तों इस प्रकार से आप भी अपने मोबाइल नंबर से चेक कर सकते हो कि हमारे इस मोबाइल नंबर से कितना फेसबुक आईडी हमारी बनी हुई अकाउंट बना हुआ है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देने का। फिर मिलते हैं नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।